वेलकम बैक नाजीन। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कराची से एमक्यूएम की एमपीए मंगला शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल कराची में कोरोना वायरस का बड़ा इशू है, स्कूल कॉलेजेस लाइब्रेरीज सारी बंद हो गई हैं और ईरान की सरहद भी बंद हो गई है, अफगानिस्तान की सरहद भी बंद हो गई है काफी। जो तो क्या इस वक्त क्या सूरत हाल है और फिर गवर्नमेंट ने इसमें क्या मैये लिए हैं और एमक्यूएम की क्या पॉलिसी है इस सिलसिले में? क्योंकि ये एक आफात को कहना चाहिए कि कुदरती आफात है जी। और उस वक्त जिस तरह ये पूरे दुनिया के तमाम ममालिक में फैल चुका है जी। तो काफी ऐसी तदाबीर सिंध गवर्नमेंट ने की है और एमक्यूएम खुद उन तमाम पॉलिसीज में सिंध गवर्नमेंट के साथ है। वो कि हम लोग अपोजिशन में हैं लेकिन मुल्क के लिए अवाम के लिए अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी सिंध कर रही है तो हम उनके बिल्कुल साथ हैं। और अभी तक सिर्फ जो 4 केस है उसमें 2 कराची में रिपोर्ट हुए हैं और वो भी ये सब अंडर ऑब्जर्वेशन है, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। तो वैसे तो सूरत हाल काफी नॉर्मल है लेकिन आवाम जिस तरह है कि अपने मदद आपके तहत थोड़ी बहुत अपनी एहतियाती तदाबीर कर रही है। अच्छा, ये सूरत हाल देखिए, दुनिया के अमेरिका में भी और इटली में भी 70 मुल्कों में ये जो कोरोना वायरस के जो लोग हैं उसका शिकार हुए हैं और 3,000 से ऊपर बात भी हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कराची में। लेकिन चूंकि ये स्कूल और कॉलेज जो बंद किए हैं इसकी क्या वजह है? क्या आप समझते हैं कि इतना ज़्यादा थ्रेट था या ऐसी सिचुएशन थी कि पब्लिक प्लेसेस पे जाना जो है वो गवर्नमेंट आने वाले दिनों में उसमें भी पाबंदी लगा दे? असल में ये जो मैं जाती तौर पे समझ रही हूँ कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज को बंद कर देना जो है वो किसी मसले का हल नहीं। वहाँ तो पीएसएल के मैचेस भी हो रहे हैं ग्राउंड में। बिल्कुल, मैचेस हो रहे हैं और प्रोग्राम्स हो रहे हैं और अगर को देखें अगर हुकूमत जिस तरह से अगर क्लियर लोगों को आगाही जरूर दी, ऐसा ना हो कि वो लोगों को कुछ बताए नहीं तो ये चीजें ज्यादा फैलती है। और अगर ऐसा समझ रही है कि खुदा ना खास्ता वाकई कोई खतरा है और सारी चीजें हैं तो बेहतर है कि 14 दिन के लिए आप ओवरऑल शहर में कोई बात नहीं, आप एक कर्फ्यू लगा दें। कर्फ्यू लगा के आपको सारे लोग एक जगह पर हो जाएंगे, फिर जो जो उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन जहां जहां करनी है वो 14 दिन के लिए कर ले, बजाय ये कि हम बाद में बहुत लंबे प्रोसेस में जाए खुदा ना खास्ता और ये हमारे से बेकाबू जी। तो अगर सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं और वो हुकूमत समझ रही है कि इस तरह का मामला है तो उसको इस तरह से हल करें, सिर्फ स्कूल बंद कर देना, शादियां भी हो रही हैं, पीएसएल भी हो रहा है और भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो उससे तो फिर मैं नहीं समझती कि इस तरह वो काबू पा सकते। ये तो पेरेंट्स के अंदर ज्यादा जो है ना और बच्चों में भी ज्यादा जो है ना बेचैनी फैलेगी इससे, अगर आप इस किस्म के मेजर लेंगे इससे बेहतर है कि प्रिवेंटिव मेजर लें। और चूंकि अल्लाह का शुक्र है कि कराची 2 करोड़ की आबादी का शहर है, कोई ऐसी सिचुएशन वहाँ नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एमक्यूएम की भी जो है इस वक्त गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट कर रही है, तो ये तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा जेस्चर है आपका हुकूमत के साथ। जी बिल्कुल, एमक्यूएम कर रही है और वो हर उस मुकाम पर हमारी अपने जो लोग भी हैं वो भी जहाँ जहाँ तक हम अपने पार्टी लेवल पर भी जो जो आगाही दे सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं। हमारा कल भी अपने मेन मरकज बहादराबाद में इसके सिलसिले में आगाही प्रोग्राम हुआ है और हम तमाम हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उन लोगों को भी बाकायदा खुली तौर पर हमें ये हिदायत की गई है कि हम जितनी आगाही दे सकें और जितने प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अपने अपने हल्के में अवाम के साथ वो हम उनके साथ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हुकूमत के साथ भी ताउन के लिए तैयार है क्योंकि ये एक हमारा कौमी भी मसला है तो उसमें हमारे एफर्ट बनते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंगला शर्मा साहब हमसे बात करने का, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। क्या साहब आप ये बताइएगा, अभी डॉक्टर शाह साहब भी बात कर रहे थे, हमारे मुल्क में टैक्स के मामले में लोग इतने खौफजदा क्यों रहते हैं? क्या कोई कॉम्प्लिकेशन इस किस्म की है कि लोग टैक्स का फॉर्म भरने में मुश्किल पेश करते हैं, किसी वकील को ढूंढते हैं? आप नहीं समझते कि कोई इतना आसान निज़ाम हो इनकम टैक्स का कि लोग जो है एक सिंगल पेज की रिटर्न दें और अपने मामलात को ठीक कर लें? अभी आपने शुरू में इंट्रो में बात की थी कि पाकिस्तानी आवाम एक तो कोरोना से डरी हुई है, दूसरा टैक्सेशन से डरी हुई है। बिल्कुल, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट तो फिर चला जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन टैक्स वाले यही है मौजूद नहीं। टैक्स तो लोग पहले से भी दे रहे थे, पिछली गवर्नमेंट जितनी आई है उसमें भी दे रहे थे, लेकिन ये जो तब्दीली के नाम पे जो सरकार आई है इन्होंने डराया ज्यादा है, कलेक्शन कम की है। जी बिल्कुल, लोगों को टैक्स के नाम पे इमरान खान साहब आके टीवी पे आके कहते हैं कि छोड़ूंगे नहीं, पकड़ो पकड़ो जो भी चोर है उसको पकड़ेंगे जी, ये कर देंगे वो कर देंगे। वैसे तो लोग डर के लोग बिजनेस से जी
पीछे हट गए हैं जी। बिल्कुल, बिजनेस के हालात बहुत ही गंभीर हो गए। 4,15,624 ताजरों ने 2018 में रिटर्न फाइल की थी, तो इस साल जो है ना वो 3,99,534 होगी। 16,000 ताजर जो है वो FBR के नेट से बाहर निकल गए। सदीकी साहब, लोग टैक्स देना चाहते हैं जी, उनको एतमाद देना है, गवर्नमेंट का काम है उनको एतमाद दें कि टैक्स को कैसे, किस तरह जो आपने जो क्राइटेरिया बनाया है उसको आसान से आसान कर दें जी। बिल्कुल, ताकि लोग टैक्स नेट में आना शुरू करें। अभी जितने भी जो आप कुछ टैक्स रिटर्न्स में इजाफा हुआ है, लेकिन ओवरऑल कलेक्शन में इजाफा नहीं हुआ। पैसों में इजाफा नहीं हुआ, वो तो बल्कि 700 अरब की शॉर्टफॉल का खतरा है सर। वो टैक्स रिटर्न में इजाफा हुआ है, कलेक्शन में इजाफा नहीं हुआ। उसकी वजह है लोगों को फाइलर और नॉन फाइलर के चक्रों में मसाइल है, वो भी मसाइल है। अब जिसने पैसे अगर 2,00,000 रुपया बैंक में रखा हुआ है, तो वो पैसे निकलवाने के लिए जाता है, तो वो फाइलर और नॉन फाइलर वाला उसके चक्कर आ, उसको मजबूरन नील की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। आप देखें कितनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के $20 बिलियन भेजने वाले जो लोग हैं बाहर से पाकिस्तान में, वो बदकिस्मती से नॉन फाइलर हैं और उनके पैसे कटते हैं। इससे बड़ा जुल्म अब क्या हो सकता है? हालांकि इमरान खान साहब का दावा था कि लोग बाहर से पैसा भेजेंगे, तो आज की मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था टीवी के ऊपर, वो कहते हैं $20 अरब की हुंडी होती है पाकिस्तान में, जिसमें जो बाहर रहने वाले डायस्पोरा है वो भी अपनी कन्वीनियंस के लिए हुंडी में पैसे भेज देते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। अभी गवर्नमेंट को चाहिए, अभी जो डेट इन्होंने एक्सटेंड नहीं की, लोग देना चाहते हैं जी, अगर थोड़ा सा एक्सटेंशन और मिल जाए तो ये रिटर्न जो अभी 2,00,000-3,00,000 बढ़ी हैं जी, वो इंक्रीज हो जाएंगे सर। और कितनी एक्सटेंशन आपको चाहिए? जो फरवरी आ गया, आपका फाइनेंशियल ईयर 3 महीने पर क्लोज हो जाएगा। देखिए साहब, काफी लोग जो है वो बेचारों को पता ही नहीं है। नहीं, लोग सोए रहते हैं ना, ये पता ही नहीं है। वो 30 अगस्त का टाइम था रिटर्न देने का, अब 29 फरवरी होगी या और कितना टाइम? 1 महीना अगर और दे दें तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, हम तो हमेशा, मसला महीने का नहीं है, मसला ये है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कैसे हो सकती है। मतलब SSC और जो डिपार्टमेंट है, जो रिटर्न देता है उसी का ऑडिट होता है, जो नहीं देता उसका नहीं होता। डेफिनेटली होना तो ये चाहिए, जिसको रिटर्न देता उसको माफ कर दें, जो नहीं देता उसको ऑडिट करें। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग देने के लिए अभी भी काफी लाइन में खड़े हैं जी। लेकिन वो अगर ये एक्सटेंशन दे दें तो नेट टैक्स नेट में लोग ज्यादा आ जाएंगे जी। बिल्कुल सही है, काम नहीं है। आसिफ साहब, आप ये बताइएगा कि अभी जो आज मैं पढ़ रहा था, न्यूज चल रही थी, पट्टी चल रही थी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, कि $20 अरब की हुंडी यानी कि पैसा बाहर चलता है, जो ताजर लोग जो हैं वो भी कन्वीनियंस के पैसा बाहर से भेजते हैं। तो ये बाहर के लोग तो हमारे वो हैं जो कि सरमाया पाकिस्तान का डायस्पोरा है, जो सबसे ज़्यादा पैसे भेजते हैं, तो उनको भी ये बैंकों में फाइलर नॉन फाइलर के चक्कर में डाला हुआ है। जी सर, गुजारिश ये है, ये जो गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान बॉन्ड है जी, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये बॉन्ड बनाया जाता जी, है, जिसमें होता ये है कि अवाम अपने सारे राइट्स जो है जी, वो हुकूमत के सुपुर्द कर देती है सारे इख्तियारात, और बदले में उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती है कि आपने हमारी जिंदगी की जो बुनियादी जरूरियात हैं उनको बाहम करने के लिए इकदाम करने। ठीक है, मैं बड़ी छोटी सी मिसाल दूंगा ये टैक्स कलेक्शन के हवाले से कि अवाम टैक्स क्यों नहीं देते या इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट क्यों नहीं करवाते। सर, कोई भी सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाने के बाद उसके ऊपर टोल प्लाजे बनाए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद लोग जो है वो टोल टैक्स देते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि पहले अवाम को गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, उसके बाद उनको कहा कि आप बदले में हमें टैक्स पे करें, ठीक है, और जो बंदा टूल प्लाजा नहीं देता वो रोड पे नहीं चढ़ सकता, ठीक है, बिल्कुल, या वो वहाँ पे जो मोटरवे पुलिस होती है वो उसके हवाले से जो कानून है उसको हरकत में ले आते हैं। आपका ताजर जो है वो बेचैनी का शिकार है, ठीक है, आपका जो बहुत बड़ा एक सरमाया जो बाहर से आता है, लोग अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे, अब लोग घरों को छोड़ के गए हुए हैं, अब्रॉड गए हैं, अमेरिका, UK और दुनिया के दीगर ममालिक में गए हैं, किस लिए? अपने बच्चों के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए गए हुए हैं। अब उन्होंने वहाँ जो अर्निंग की है, जो सरमाया उन्होंने इकट्ठा किया है या जो मेहनत मजदूरी की है, उन्होंने पाकिस्तान में तो भेजना है, ठीक है, ताकि उनकी फैमिलीज जो हैं वो स्ट्रेंथन हो, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो जब गवर्नमेंट के खाते में वो सारे पैसे आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट तो अपने अपने मामला लेके उन तक पहुँच जाते हैं, जिससे लोग
इनसिक्योर फील करते हैं, अब उसका अल्टरनेट फिर लोगों के पास हुंडी हवाला ही रह जाता ठीक है। तो जब आप अपने सिटीजन्स को, अपने शहरियों को, अपने ताजरों को, या जो लोग आप आपका मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके इनकम के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर बहुत बड़ा एक एडिशन करते हैं, जब तक वो लोग अपने आप को सिक्योर्ड फील नहीं करेंगे तब तक आप 1 लाख और ऐड कर लें इनकम रिटर्न्स, लेकिन वो आपको टैक्स नहीं पे करेंगे। ठीक है, ये इशू आपका क्या है, लोग रिटर्न्स तो सबमिट करा रहे हैं फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर से निकलने के लिए, रिटर्न जीरो की भी आप दे दें तो जीरो की भी आ रही है, मेरा जो 1 लाख के ऊपर मैं अगर बैंक से निकलवाऊंगा तो 600 रुपया नहीं कटेगा। जी बिल्कुल सही बात, चाहे मैं बदले में टैक्स 1 रुपया भी, बिल्कुल सही है, एक्टिव और नॉन एक्टिव की जो क्रेश साहब आप ये बताइएगा कि ये अभी पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट वालों ने एक काम ये किया कि जीडियां जो लोगों की थी उनको रिवाइज करके उनके पोर्टल में डाल दी और डिमांड खड़ी कर दी, सर ये किस कानून के तहत ये कर सकते हैं, मतलब ना वो असेसमेंट कर सकते हैं ना वो ऑर्डर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एक लगाने वाला महकमा है, वो जीडियां रिवाइज करके लोगों के ऊपर अरबों रुपए की करोड़ों रुपए की डिमांड कैसे खड़ी कर सकते हैं? सर देखेंगे कोई भी ऑडिट जी, चाहे उसकी बेसिस कोई भी हो, ऑडिट कंप्लीट होना चाहिए, ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो है पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट का जो फंक्शन है वो ये है कि ऑडिट करती है पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट, यानी क्लियरेंस के बाद, क्लियरेंस के बाद है, ठीक है, ठीक है, उनका हक है, अच्छा हक है लीगली, बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल एक एक तयशुदा बात है और मतलब हर कोई एक्सेप्टेड बात है, कोर्ट्स भी इसको एक्सेप्ट करती है कि ऑडिटर का जो ऑडिट होता है, ऑडिटर की जो ऑब्जर्वेशन होती है, दैट इज जस्ट एन ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, बिल्कुल, अब अदालत माने या ना माने, हाँ कोई माने ना माने, उस ओपिनियन वो ओपिनियन देता है कि जी फलां जो क्लियरेंस हुई है उसमें ये डिफेक्ट है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब लॉ एक मतलब मैं आपको एक बताने वाला था, एक सेक्शन 195 है जो असल प्रोसीजर है कि होना क्या चाहिए, होना अगर अगर ऑडिट होता है कहीं डिफेक्ट है किसी 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 जो आपने डिटर्मिनेशन की है, जो क्लियरेंस हुई है उसमें कहीं डिफेक्ट रह गया है, वो आपको मैंने बताया था कि उसमें 6-7 लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पेक्टर से लेकर डीसी तक, सारे लोग उसे एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, एवैल्यूएट करते हैं, तसल्ली करते हैं, वो सारा कुछ, और उसके बाद वो ऑर्डर पास करते हैं, गुड रिलीज करते हैं, जो ये आप क्लियरेंस डायरेक्टिव की बात कर रहे हैं, और अब जस्ट एक ऑडिटर जो जिसके बारे में ये कहा जाता है, कोर्टों ने कहा है कि उस हाफ कुक्ड नॉलेज होता है उसके पास, फाइनेंशियल नॉलेज उसके बाद हाफ कुक्ड होता है, बिल्कुल, और उस हाफ कुक नॉलेज के बुनियाद पे एक शख्स ओपिनियन देता है और उस पे सारा चैप्टर आप खोल देते हैं, खोल देते हैं वो सारे जो नहीं, उन्होंने तो एंड डिसीजन कर दिया ना, उन्होंने आपकी जीडीपी जो है वो इन एंटिसिपेशन ही रिवाइज करके डाल दी कि आप ये करेंगे, मैं बताता हूँ, ये कैसे हो सकता है, इसका बता कर ही नहीं सकते, वो तो जस्ट अपनी एक ओपिनियन दे सकते हैं, एडिटर अपनी ओपिनियन देता है, एक ऑब्जर्वेशन देता है कि जी ये यहाँ डिफेक्ट मुझे नजर आता है, जी बिल्कुल, और उसका प्रोसीजर ये है कि आप अगर ऐसा है तो देन द मैटर मस्ट गो टू द एडिटेशन, नो नो नो, उससे भी पहले, उससे भी पहले एक कलेक्टर में एक प्रोविजन दी गई है 195 सेक्शन, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई नीचे स्टाफ में कोई कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं कोई डिफेक्ट हो रहा है, तो वो कलेक्टर की जिम्मेदारी है जी 195 के तहत कि वो सो मोटो करे या उसको उसको रिपोर्ट करे, तो वो फिर सारा उस चैप्टर को खोल के एग्जामिन करे कि क्या वाकई वो सही कहता है, जी ठीक, उन लोगों को बुलाया जिन्होंने इंफॉर्मेशन की है, डिपार्टमेंट के लोग, हाँ उनको भी पूछे और वो भी उसकी वेरासिटी को चेक करे, और अगर वाकई वो बनती है ड्यूटी शॉर्ट है या कोई अवियन है या कोई कोलुजन है, तो देन द मैटर मस्ट बी रिपोर्टेड टू द एडजुडिकेशन, बिल्कुल उस वक्त जाना चाहिए जी। और 195 सेक्शन बिल्कुल रिडंडेंट करके रख दिया उन्होंने, यानी इसको प्रैक्टिस ही नहीं करते, ठीक, और 195 सेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन जो कलेक्टर के अपने अंदर ये सारे जो मामला को रेगुलेट करने के लिए, वो एक मेन टूल है जी, बिल्कुल, और उसको उसको इस्तेमाल ही कोई नहीं करता जी। तो उसकी जो है जो जो पीसीए वालों ने या जिन्होंने ये जो डाली है रिवाइज करके, तो इन्होंने तो अपना एंड का जो प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट में जाके होना है, उन्होंने वो अपने पास से पहले ही प्रीएम्प्ट करे, तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी ये नहीं हो सकता जी। ऑडिटर का कोई काम नहीं असेसमेंट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज की तो जो आपकी तो मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जैसे इनकम टैक्स में
कमिश्नर जो है शो काज जब इशू होता है तो कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होती है शो को। कई अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं, कई के फैसले हैं, उन्होंने इसी बेसिस पे लीगल बेसिस पे उड़ा दिया कि इसकी प्रोविजन जो है वो नीचे वाले अफसर ने दी है। तो इसी तरह जो कलेक्टर क्लियरेंस डायरेक्टरेट का जो कलेक्टर है या डिप्टी कलेक्टर जो क्लियरेंस है वो पीसीए का ऑडिटर उसको कैसे तो ये जो हायरार्की ऑफ द पोर्टफोलियोज है ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इनकम टैक्स में हमने ये देखा है, ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जी कि अपनी अपनी जो ऑडिटर, अब ऑडिटर क्या होता है मैंने जनाब को पहले बताया कि ऑडिटर जस्ट एक एक उसने देखना होता है कि क्या ये प्रॉपर है विद इन लॉ है या जो क्लियरेंस हुई है ये ठीक हुई है अकॉर्डिंग टू लॉ हुई है कि नहीं हुई है। अगर उसे कहीं कोई डिफेक्ट नज़र आता है, कोई अनलॉफुलनेस नज़र आती है या कोई कुलुइया नजर आती है, कोई एरर नजर आती है, रिपोर्ट करे तो वो रिपोर्ट करे मैटर जी कलेक्टर को, कलेक्टर देखेगा फिर सबको बुला के वो करेगा। और अगर बाकी वो उसकी जो ओपिनियन है वो ओपिनियन है, दरअसल ओपिनियन है उसका, वो असेसमेंट का उसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैंने तो ये पढ़ा था कि ये अगर पीसीए वाले कोई आपकी ऑब्जर्वेशन बना के भेजते भी कलेक्ट्रेट को तो एजुकेशन कलेक्ट्रेट है उसका उसके साथ जो है राजी होना या एग्री होना कोई जरूरी नहीं है। एक जब एक प्रोसेस होता है 79 के तहत आपने जीडी फाइल की, 80 के तहत एग्जामिनेशन किया, 83 के तहत उसको क्लियरेंस किया, ऑर्डर किया, ये सारे कुछ 6-7 लोग इसमें शामिल होते हैं। इसकी सेंक्टिटी क्या रह जाती है कि एक ऑडिटर जो सबसे छोटा उनका अफसर होता है वो अफसर उसको सबको चैलेंज कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, वो जो हायरार्की है जो पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस है उसको नलीफाई कर रहे हैं, उसको नलीफाई कर देते हैं, बल्कि वो ऑर्डर ड्राम से गिर जाता है, वो एडजुडिकेशन में चला जाता है, वहां से उसको रीओपन करके शुरू कर देते हैं। वो ऑर्डर भी एक वैलिड ऑर्डर है, उसको आप किस तरह उस ऑर्डर फील्ड में मौजूद है आप उसको उस ऑर्डर को छेड़े बगैर एक दूसरा ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? अच्छा एक सर मुझे आखिरी बात ये बताइएगा कि ये जब किसी ने कंप्लेंट की और कस्टम ने कहा जी हमने बाहर से ये इनवाइसेज हम मंगा ले हैं, तो ये इनवाइसेज इस तरह ही है उस कंपनी से जब वो कंपनी शिपर ही नहीं है तो आप कैसे को प्रोसीजर भी तो ये अक्सर होता है कि जी आपने इनवाइस मंगाई है तो कस्टम वालों ने उसको सारा देखा, क्लियर किया और बाद में कोई एडिटर कहता है जी ये तो इनवॉइस गलत है, मैं वो अपने बॉस से किसी से मंगवा लेता है इनवॉइस जी, तो वो कहता है कि जी मैंने उस कंपनी से ये इनवॉइस मंगा लिया, ये सही है आप वाली गलत है जी जी। अब ये एक फेक बात है जी, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है जी। अगर आपने किसी इनवॉइस को चैलेंज करना है जो बाहर से आई है तो उसका प्रोसीजर जो कोर्टों ने जो तय किया है वो ये तय किया है कि आप उस इनवॉइस को चैलेंज करने के लिए आप अपनी उस मुल्क में जो एम्बेसी है उसको लिखेंगे, कमर्शियल काउंसलर को लिखेंगे जी, वो एम्बेसी कमर्शियल काउंसलर उनके मातहत होता है, वो अपने कमर्शियल काउंसलर की ड्यूटी लगाएंगे जी जी, और कमर्शियल काउंसलर जी जी वहाँ कोई उसी कंपनी से ओरिजिनल इनवॉइस मंगाएगा उसी चीज की, और फिर वहाँ की जो ट्रेड बॉडी कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड बॉडी जो उससे रेलेवेंट होती है, जिस तरह हमारी मतलब मसलन ये टेक्सटाइल वाली अपनी है, सीमेंट वाली अपनी है, इस तरह की ट्रेड बॉडी उसको सर्टिफाई करेगी जी, वो सर्टिफिकेट फिर उसी रूट से होता हुआ एम्बेसी के थ्रू आपके पास आएगा जी, देन दैट विल बी ए वैलिड डॉक्यूमेंट। ऐसे नहीं कि आप किसी ने हेयर से कि हेयर से भी नहीं, और आप वैसे आप किसी से मंगवा भी लें कंप्यूटर प्रिंट वहां से मंगवा लें ये नहीं होता जी, बिल्कुल ये तो कोर्ट ने इसको होल्ड किया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कृष साहब। अच्छा आप ये बताइएगा आसिफ साहब कि अभी मीडिया के ऊपर बड़ी गवर्नमेंट जो है पाबंदियाँ लगाने की बात हो रही है और बाहर की जो मीडिया कंपनी ने भी पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा रिजर्वेशन का इजहार किया, तो आप क्या समझते हैं इस गवर्नमेंट के दौर में ऐसी कौन सी ऐसी बात हो रही है जिस पर मीडिया जो है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है? सर इस दौर में शायद वो सारी बातें हो रही हैं जो हुकूमत अपोजिशन में होते वक्त दूसरी हुकूमतों पे किया करती है। बिल्कुल सही है, शायद ये वो खौफ है कि जिस तरीके से हमने मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की पगड़ियां उछालने का जो कारोबार इस वक्त के वज़ीर आज़म साहब और उस वक्त के अपोजिशन इमरान खान साहब ने शुरू किया था, शायद वो कहीं अब उसकी जद में खुद आते हुए नज़र आ रहे हैं जी जी। तो हर चीज़ को कानून के दायरे में होना ज़रूरी है, जब ख़ास तौर पे जब हम एक कानून पर मबनी मुआशरा तैयार करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी बातें जो हैं आपको उस वक्त भी जहन में रखनी चाहिए जब आप अपोजिशन में होते हैं और उस वक्त भी रखनी चाहिए जब आप हुकूमत में होते हैं। ये नहीं है कि आज जो सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं
तो उसके ऊपर तो आप पाबंदियां लगा दें, लेकिन जब आप अपोजिशन में थे तो वही सवाल आप कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है किसी को भी जो तनकीद है वो बर्दाश्त नहीं है। नहीं है सर, और गुजारिश है देखिए साहब, कानून अगर बनाए जाए जनरल पर्सपेक्टिव में और फॉर जनरल पीपल के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, तो वो बड़े इफेक्टिव होते हैं। किसी भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को या किसी भी खास ऑब्जेक्टिव के तहत अगर एक लेजिस्लेशन होती है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे लैकूनाज रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वो तो कभी भी आप समझें कि कानून की बालादस्ती हो रही है, कानून की हुक्मरानी हो रही है, क्योंकि कोर्टें ना हो तो हमारे मुल्क में तो बेचारे लोग टैक्स वाले भी और दूसरे भी रुलते ही पड़े सड़कों पर। सर कानून जो है वो उसके बारे में एक लीगल सिस्टम के अंदर बड़ा स्पेसिफिक और बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटेंस बोला जाता है, द जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड हैव बीन होता हुआ नजर आ रहा है। अब मीडिया बता सकता है कि इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन बिल्कुल सही बात है कि जस्टिस वो है जो होता हुआ नजर आए, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जो भी लोगों के मसाइल हैं, मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट के में किसी का मसला होता है तो ये ट्रिब्यूनल्स हैं या कोर्ट्स हैं, वहाँ जाके लोगों की बिल्कुल सुनी जाती है और मेरिट पे फैसले जो है होते हैं। और इस वक्त जो मुल्क के मामलात हैं, सबसे अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि हमारी मईशत की कैसे बहाली हो। मईशत की बहाली के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो अशफाक अहमद का जो कॉल है, आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ तकसीम करें, खुशियाँ बांटें। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नईम सदीकी को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।